मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मुख्य संरक्षक आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार ने नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में रक्षाबंधन के कार्यक्रम में वो शामिल हुए। वहां मौजूद मुस्लिम समुदाय के बहनों से राखी बंधवाई। हमारे संवाददाता से खास बातचीत में कहा कि रक्षाबंधन किसी एक का नहीं बल्कि सभी धर्मों का त्यौहार है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इंद्रेश कुमार जी हैं। आज राजधानी दिल्ली के अंदर अगर मैं कहूं रक्षाबंधन के का जो पूरा कार्यक्रम था वो आयोजित किया गया, तमाम संख्या में जो मुस्लिम बहनें थीं वो आज यहां पर पहुंची। आज मैं देख रहा हूं आपकी कलाइयों पर गिनती नहीं हो पा रही है, तमाम मुस्लिम बहनें यहां पर मौजूद थीं, रक्षाबंधन के कार्यक्रम में शामिल हुई। किस तरीके का मैसेज ये मुस्लिम मंच की तरफ से? ऐसा है, देश के अंदर ज़्यादातर सियासी और मजहबी नेता, विपक्षी दल, वह इस्लाम के नाम पर या हिंदू के नाम पर मुसलमान को भड़काना और बहकाने का काम करते हैं। इसलिए देश दंगा मुक्त हो, मजहबी दंगे ना हो, देश छुआछूत मुक्त हो, छुआछूत ना रहे, देश के अंदर जातिवाद का जहर फैल कर और तनाव ना आए, अमीर गरीब का भेद भी ख़त्म हो, तो क्या करना। तो राखी का एक त्यौहार ऐसा था जो इंसानियत का त्यौहार है, किसी मजहब और सियासत का त्यौहार नहीं है। कैमरामैन श्रवण के साथ गौरव मिश्रा, भारत 24, दिल्ली।